मेरा एक बेटा था जो 9 महीने का था। हस्बे मामूल मैं सुबह घर से ड्यूटी के लिए निकला। मैंने जाने से पहले अपने बेटे को ढेर सारा प्यार किया। वो भी मुझे अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाय बाय कर रहा था। मेरे काम की जगह का मेरे घर से 2 घंटे का फासला था। खैर बात मुख्तसर, मैं अपने घर से निकल पड़ा। मैं हस्बे मामूल अपने काम में मसरूफ था कि मुझे मेरे घर से कॉल आई। कॉल पर मेरी बीवी थी जो मुसलसल रोए जा रही थी। मैं फौरन से परेशान हो गया कि आखिर हो क्या गया है। उसने सिसकियां लेते हुए कहा कि हमारा बेटा फौत हो गया है। मैं उसकी बात सुनता गया, मेरे पैरों से जैसे जमीन ही निकल गई हो। मैंने उसे कहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया, सुबह तो अच्छा भला था। खैर उसने कुछ भी नहीं बताया मुझे और कॉल काट दी मेरी। मैं जॉब से छुट्टी लेकर रोता हुआ वहाँ से निकला। मैं घर पहुँचा तो मेरे घर कयामत सा समा था। हर कोई जोर कतार रो रहा था। मेरा नन्ना सा गुलदस्ता चारपाई पर पड़ा हुआ था और सब उसके गिर्द बैठे रो रहे थे। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बच्चा अल्लाह पाक को प्यारा हो गया है। सुबह सुबह तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था। मैं उसे हंसता हुआ छोड़कर गया था। अपने नन्हे मुन्ने हाथों से वो अपने पापा को बाय बाय कर रहा था। हाय अल्लाह मेरा बच्चा, आपने इतनी जल्दी क्यों ले लिया मुझसे। अभी उसने देखा ही क्या था इस दुनिया में। खैर मेरे बेटे के जनाजे का टाइम करीब था। हर आंख अश्क पार थी। नमाज़े जनाजा के बाद अपने लगते जिगर को अपने हाथों से कब्र में उतारा। यकीन जाने दोस्तों के वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा था। मैं सोच रहा था कि इतना छोटा सा है, ये कैसे रहेगा इस अंधेरी कब्र में। खैर उसे दफनाने के बाद घर पहुंचे। घर पहुंचकर अपने बच्चे की मौत की वजह पूछी तो मुझे मालूम हुआ कि सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। सब ये सोच रहे थे कि बच्चा साथ वाले पड़ोसियों के घर होगा, क्योंकि उसे अक्सर हमारे पड़ोसी उठाकर ले जाते थे। मेरे पड़ोसी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मेरे बच्चे से, लेकिन उस दिन उसे कोई नहीं लेकर गया। हमारी रूम में एक ही बाल्टी होती थी जिसमें एसी वाला पानी जमा होता है। मेरा बेटा क्रॉलिंग करते हुए उस बाल्टी तक जा पहुंचा और वो उसी बाल्टी में जाकर गिर गया और वहीं पर उसकी सांसें बंद हो गईं। और किसी को खबर तक ना हुई कि मेरा बच्चा कहाँ है। आज मेरी तमाम वालदैन से हाथ जोड़कर गुजारिश है, बराए मेहरबानी अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। माँ बाप हर दुख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी औलाद का गम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।